तो फ्रेंड्स बिहार के जिला ब्लॉक पंचायत स्तर भर्ती, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात करने वाले जिला समन्वयक यानी कहते तो जिला कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, पंचायत सामुदायिक सुविधाकर्ता के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि जिसका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुका है, जो कि कुछ इस तरह का यहाँ पे दोस्तों की नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैं ये नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कब तक इसका लास्ट डेट है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि ये वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि वाटर एड और बूंदी परियोजना के तहत एक परियोजना है, बूंदी परियोजना के तहत विभिन्न पदों के लिए नई रिक्तियाँ की घोषणा, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि वाटर एड गया और मधुबनी प्रत्येक 25 ग्राम पंचायत में समुदाय और संस्था के नेतृत्व में वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन वार्ड सेवाओं तक अस्थाई और सामान्य पहुंच के माध्यम से सीमांत समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए परियोजना बूंद को लागू कर रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लागू करने के लिए वाटर एड इंडिया निम्नलिखित पदों के लिए प्रतिबद्ध पेशेवरों से आवेदन करता है। यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित आंजन नीचे जो लिखा गया है जो कि ये रहा। तो यहाँ पे दोस्तों की बहुत सारे विभिन्न सारे यहाँ पे पद है जो कि यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों की ये जो रहा राज्य स्तरीय पद है, तो योजना प्रबंधक का एक पद है, योजना एक है तो प्रबंधक का भी एक ही हो सकता होगा, तो वित्त एवं व्यवस्थापक सहायक के लिए भी एक पद। तो और यहाँ पे तीसरे नंबर पर दिया गया है कि MIS और प्रलेखन सहायक के लिए एक पद, तकनीकी विशेषज्ञ वास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक पद है। तो ये स्टेट लेवल पर है, तो बिहार में यहाँ पे एक एक पद, यहाँ पे एक योजना है तो यहाँ पे एक एक पद है, जो कि स्थानीय जो हो गया इसका हेडक्वार्टर जो हो गया हेड ऑफिस तो पटना। तो ये रहा। और जिला स्तरीय की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि जिला समन्वयक का एक पद है, जो कि टोटल दो पद है गया और मधुबनी के लिए, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्थान यहाँ पे बताया गया है। वही बात करते हैं ब्लॉक स्तरीय के लिए, तो ब्लॉक समन्वयक आपको बता दें दोस्तों वही समन्वयक जिसको कोऑर्डिनेटर भी कहा जाता है, कोऑर्डिनेटर मतलब समन्वयक ही हुआ। तो यहाँ पे ये 10 पद है, यानी कहे तो 10 ब्लॉक में यहाँ पे है ब्लॉक स्तरीय, जो कि गया और मधुबनी। सामुदायिक सुविधाकर्ता के लिए भी यहाँ पे 20 है, 20 पंचायत में, तो यानी कि गया और मधुबनी। और यहाँ पे कैसे करें आवेदन, तो अधिक जानकारी के लिए यहाँ बताया गया है कि कैसे करें आवेदन, तो अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए कृपया बताया दिया गया है 8 सितंबर 2021 तक ये इसका इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, यानी इसको कहे तो 8 सितंबर तक यहाँ पे बताया गया है डेट का। और ये रहा वेबसाइट www.sids.co.in पे आप इसे विशेष जानकारी, क्वालिफिकेशन क्या है, अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जैसे कि ये प्रखंड है यहाँ पे ब्लॉक स्तरीय समन्वयक का है, जिला समन्वयक के लिए सबका अलग अलग यहाँ पे जितने भी पद है अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स ये रहा वेबसाइट ऑफिशियल इस योजना के लिए, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे आकर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे है देख दिया गया इंटरफेस। तो अभी सब आपको क्लिक नहीं करना है, आपको और नीचे जाना है। नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाले जो दिया गया है रूरल लाइफ, तो इस पर भी आपको क्लिक नहीं करना है। आपको क्लिक करना है यहाँ पे देख सकते हो कि दिया गया है कि वाटर एड अंडर बॉन्ड प्रोजेक्ट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, जो क्लिक हेयर जो लिखा है उस पर आप क्लिक करते हैं, तो आपको एक नया विंडोज ओपन होगा, जो कि कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस है, जो कि पूरे डिटेल्स में यहाँ पे वैकेंसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, फाइनेंस एंड एडमिन असिस्टेंट, और भी यहाँ पे देख सकते हो कि वैकेंसी के बारे में दिया गया और भी पद है, जो कि यहाँ पे ये रहा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, और ब्लॉक लेवल के लिए यहाँ पे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे टोटल कितना पोस्ट वो भी यहाँ पे बताया गया कौन कौन जिला में है। और यहाँ पे जो गया पंचायत लेवल का जो गया कम्युनिटी फैसिलिटर्स का है, और आपको इसके बारे में क्वालिफिकेशन जानना है तो क्लिक हेयर टू जॉब डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करते हैं, तो आपको पूरे यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको पढ़कर आपको समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर के क्या चाहिए, पूरे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन जो इसका होता है वो सारी बात यहाँ पे बताया गया है, जो कि इसमें आपको आवश्यकता है, जो कि आपको मांगा गया है क्वालिफिकेशन वगैरह, जो कि इसके लिए यहाँ पे देख सकते हो कि पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, जो
इसमें जो सबसे प्रथम नंबर पर जो पद है आपको बता दूं तो ये पद है प्रोजेक्ट मैनेजर का। और नीचे में आते हैं तो चलिए यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के लिए इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है क्वालिफिकेशन। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि दो डिस्ट्रिक्ट में है, गया और मधुबनी में ये है। तो आप उसे कहे तो आप नीचे में आते हैं तो इसके बारे में बताया गया है जो इसका क्वालिफिकेशन होता है, जो कि नीचे में आते हैं तो देख सकते हो कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे मांगा गया है, या फिर सोशल वर्क और रूरल डिपार्टमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड इक्विपमेंट, और यहाँ पे इक्विवेलेंट और भी चीज़ यहाँ पे दिया गया है जो कि इसमें आपको रुचि होना चाहिए या आपको होना चाहिए। और नीचे में आते हैं तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए भी यहाँ पे देख सकते हो कि इसको लेकर भी यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है। इसमें मांगा गया है ग्रेजुएट डिग्री आपको होना चाहिए, किसमें, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक हेल्थ, रूरल डिपार्टमेंट में। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है, तो आपको वेबसाइट पर आकर यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद पूरे डिटेल्स में आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। और इसमें जो हो गया यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रेजुएट इन एनी विषय में आपको होना चाहिए, और यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो इसको लेकर यहाँ पे मांगा गया है कि यहाँ पे देख सकते हो कि 10th पास है तो आपको 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंटरमीडिएट विथ लास्ट 5 ईयर वैलेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ग्रेजुएशन पास है तो आपको 2 ईयर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये मांगा गया है किसमें, तो ये है कम्युनिटी फैसिलिटेटर में जो कि 20 पद है उसमें। और आवेदन करने के लिए सबसे नीचे में आते हैं तो क्लिक हेयर टू अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसको आवेदन करने के लिए आपको जो डिटेल्स जो मांगा जाता है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो कि आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा पद आप भरना चाहते हैं, जिस पर भी आप भरना चाहते हैं उसके बाद करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप इस कंटिन्यू वाले बटन को आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको नाम वगैरह यहाँ पे पूछा जाएगा, आधार नंबर पूरे यहाँ पे इसको फिलअप कर देना है। उसके बाद इस पर कंटिन्यू पर करने के बाद आपको एक नया विंडो जो होगा फोटो अपलोड करने के बाद, तो किस इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बिहार के किसी भी ज़िले से है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर विजिट कीजिए, इसका टर्म एंड कंडीशन आप अपने स्तर से इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इसको भर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यही है न्यूज़ और नोटिस जो कि आज मैं आपको बताया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अरे भैया, आप बिहार से तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में कुछ जा नहीं रहा है। और इस फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको देख सकते हो कि प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन आपको शुरू में जो मांगा जाता है, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन आपको मांगा पूछा जाएगा क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह, वर्क एक्सपीरियंस, और 5वें नंबर पर यहाँ पे दिया गया है कन्फर्मेशन का। तो अभी जो ये मैं तो अभी तो दूसरे पेज पर ही हूँ, उसके बाद ये पेज आएगा, ये पेज उसके बाद कन्फर्मेशन वाला पे, तो आपको पूरा फॉर्म ये भरा जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल।